CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस कानून के बारे में आपने 4 साल पहले सुना होगा, लेकिन दिसंबर 2019 में पास हुए इस कानून के नियम तय नहीं किए जा सके, जिस वजह से इस कानून को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन अब न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से पक्की खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार CAA 2019 के नियमों को नोटिफाई कर सकती है। CAA के नियम तय होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। जिन गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी उनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। भारतीय नागरिकता उन्हीं विदेशी गैर मुस्लिमों को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने वाले शख्स को जरूरी जानकारी देनी होगी। किस वर्ष भारत में बिना वैध दस्तावेज के प्रवेश किया, भारत में प्रवेश के बाद वो कितने वर्ष कहां कहां रहा है, आवेदक को अपना देश छोड़ने की वजह बतानी होगी। वर्तमान व्यवसाय की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी देनी होगी। दरअसल बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं का वास्तविक डेटा सरकार के पास नहीं है, ऐसा ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों को लेकर भी है। इसीलिए तीन देशों के जिन नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी उनसे सिर्फ ऑनलाइन जानकारी ली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में आवेदक से किसी तरह के संबंधित दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। वर्ष 2019 में इस कानून का विरोध हुआ था और अब भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC CAA का विरोध कर रही है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में हुंकार भरी। उनका कहना था कि ममता बनर्जी लोगों को गुमराह कर रही हैं और देश में ये कानून लागू होकर रहेगा। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है। CAA कर नहीं दे, मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। गृह मंत्री ने यह बात 27 दिसंबर को कोलकाता में कही थी जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इससे साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू कर दिया जाएगा। अब तक सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत किसी को कानूनन भारत की नागरिकता पाने के लिए व्यक्ति विशेष को कम से कम 11 वर्ष देश में रहना होता है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में प्रावधान बदले गए हैं। तीन देशों के गैर मुस्लिमों को 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष देश में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को अब भी भारत में 11 वर्ष का वक्त गुजारना होगा। CAA के लागू किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद देश में सियासत अब शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि BJP चुनाव में इसका फायदा लेना चाहती है और इस कानून को लागू करके गुमराह किया जा रहा है। सिटीजनशिप तो ये बगैर CAA के भी दे सकते थे। बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप दी है, भारत सरकार ने दी है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन ये खास तौर से एक समुदाय को परेशान करने के लिए इस तरीके के कानून ला रहे हैं। अब इसको जाहिर है कि उसको चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्होंने खुद स्वयं कह दिया कि चुनाव से पहले हम इसकी घोषणा करेंगे। यानी ये भी एक हथियार है उनको चुनाव के अंदर फायदा लेने के लिए। आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं,
आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, कल को यही बात मुल्क में भी लागू हो सकती है कि धर्म आधार होगा नागरिकता का, उसका अगर ऐसा कल हुआ तो फिर इस भारत का संविधान कहां जाएगा? And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, respective of which caste and religion they belong to. आप शायद सोच रहे होंगे कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिसंबर 2019 में पास हो गया था तो इसे लागू करने में 4 वर्ष का समय आखिर क्यों लगा? दरअसल संसदीय प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के अंदर बनने चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। सीएए के लागू होने में देरी की मुख्य तौर पर 3 वजह है। पहली, विरोध प्रदर्शन। दूसरी वजह, कोरोना संकट। और तीसरी वजह, वैक्सीनेशन। सीएए को लागू करने में सबसे बड़ी अड़चन इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। देश के मुस्लिमों में सीएए को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन तब तक देश में कोरोना के केस बढ़ने लगे थे। इस बीच मामले को लेकर कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिस पर अब तक सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सीएए धर्म को आधार बनाकर नागरिकता देने वाला कानून है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि सीएए धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव के पीड़ितों को नागरिकता देने वाला कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि बर्मा, श्रीलंका जैसे देश के गैर मुस्लिम पीड़ितों को नागरिकता देने से क्यों दूर रखा गया है। इस पर सरकार का कहना था कि 70 वर्षों की स्थिति को आधार बनाकर कानून बनाया गया है। इसमें उन देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है जो देश धर्म के आधार पर बने। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान देकर सीएए पर भ्रम की स्थिति को साफ किया था। उन्होंने कहा था कि सीएए नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है, लेकिन कानून लागू हो पाता उससे पहले भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े और लॉकडाउन लगाना पड़ा। बिना नियम तय हुए सीएए को लागू करना संभव नहीं था, इसीलिए गृह मंत्रालय को नियम के मुताबिक संसदीय समितियों से एक के बाद एक कुल 9 बार एक्सटेंशन लेना पड़ा। इस वजह से कानून लागू करने की समय सीमा बढ़ती गई। सरकार की प्राथमिकता पहले कोरोना से देश के नागरिकों को बचाने की थी, इसीलिए कानून लागू नहीं किया गया। सरकार ने तय किया कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएए को लागू करने पर विचार किया जाए। अब सरकार का प्लान सीएए को लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का है, जिसके नियमों को बहुत जल्द नोटिफाई कर दिया जाएगा। सीएए 4 वर्षों में लागू नहीं हो सका। इसका मतलब ये नहीं कि गैर मुस्लिम विदेशियों को भारत में नागरिकता नहीं मिली, बल्कि इन 4 सालों में भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए लोगों को भारत ने नागरिकता दी है। सरकार ने फरवरी 2022 में संसद को बताया था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारत ने वर्ष 2018 से 2021 के बीच कुल 4,027 विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी है। वर्ष 2018 में 628 विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता मिली। वर्ष 2019 में 987 विदेशी भारत के नागरिक बने थे। वर्ष 2020 में भारत की नागरिकता पाने वाले 639 विदेशी थे, जबकि 2021 में सबसे ज्यादा 1,773 विदेशियों को भारत की नागरिकता मिली। वर्ष 2018 से 2021 के बीच कुल 8,244 विदेशी नागरिकों ने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। जिन लोगों को भारत ने नागरिकता दी उनमें सभी गैर मुस्लिम हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे थे और वो बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करके रह रहे थे। अब 4 वर्ष बाद सरकार सीएए को लागू करने जा रही है।
Zee News.